पाँच सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जिला अधिकारी को संबोधित, नायब तहसीलदार को सौंपा पत्रक। देवारा क्षेत्र में सड़क और पुलिया बनवाने की मांग। नमस्कार, मैं हूँ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ऑल इंडिया न्यूज 24x7। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के देवारा क्षेत्र में पुलिया निर्माण, टूटी सड़कों की मरम्मत और गरीबों के लिए आवास सहित पांच सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी के सगड़ी इकाई के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को तहसील सगड़ी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला अधिकारी को संबोधित मांग का पत्र नायब तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव अजीत राय की अगुवाई में शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष तहसील पर पहुंच गए और प्रदर्शन किया। अपने पांच सूत्रीय मांग पत्र में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि विकास खंड अजमतगढ़ के जगदीशपुर, बालीपुर, महरौली, पारण, कुंडा, कैता के लगभग 200 किसानों का खेत सरजू नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है, जहां जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। ऐसी स्थिति में वह सारी जमीन परती रह जाती है, जिससे सैकड़ों किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। डिगबनिया, सरबसपुर, कटिहारी, आखिरपुर, देवपुर गाँव में भी पुल के अभाव में खेती नहीं हो पाती। हरैया विकास खंड के रोशनगंज देवारा में 1990 में आई बाढ़ के चलते लगभग 500 परिवार विस्थापित हो गए, जिनको बसाने के लिए प्रशासन द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक उन्हें बसाया नहीं जा सका। आज भी 500 परिवार झुग्गी झोपड़ी के नीचे अपना जीवन व्यापन कर रही है। इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से तत्काल लाभान्वित किया जाए। विकास खंड हरैया के करखिया मोड़ से रौना पार तक क्षतिग्रस्त मार्ग और अजमतगढ़ से रजादेपुर मार्ग की तत्काल मरम्मत कराई जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन में प्रवीण गुप्ता, आकाश यादव, अरविंद जायसवाल, बबलू अहमद, घनश्याम, संतोष कुमार, राकेश कुमार, प्रभु प्रजापति, घनश्याम मिश्रा, अंकित मिश्रा, कपिल देव पांडे, सूरजा देवी, इंद्रावती देवी, निशा उर्मिला, सरोज सीमा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। देखते रहे हमारा पसंदीदा चैनल ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के साथ। आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। के माध्यम से जैसे हमारे विधानसभा में दो ब्लॉक हैं और अजमतगढ़ ब्लॉक में लगभग 15 गांव प्रभावित हैं। ये छोटी सरयू नदी की वजह से नदी उस पार किसानों के खेत पड़ते हैं, जो कि छोटे किसान हैं, 1.5 बीघा 2 बीघा उनकी कास्ट है, लेकिन छोटी सरयू नदी में पानी भर जाने की वजह से वो खेती किसानी के लिए अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई माध्यम नहीं है, पुल नहीं है। इस वजह से उनके खेत फसल नहीं लग पा रहे हैं और आज स्थिति यह है कि वो सारे किसान भुखमरी के कगार पे हैं। और ये मांग की गई है प्रशासन से कि मुआवजा भी दें प्लस उनके पुल भी बनाएँ और पुल का निर्माण हो। और हरिया विकास खंड में रोशनगंज देवारा गांव पड़ता है, जो कि 1990 के बाढ़ में और कटान में चला गया, गांव विलुप्त हो गया, नदी में चला गया, लेकिन आज तक लगभग 500 परिवार आज भी झुंगी झोपड़ी में जीवन यापन करने के लिए विवश हैं। न ही प्रशासन ने सुध लिया, न ही यहाँ के विधायक और सांसद ने कभी उनकी खैर खबर लेने की कोशिश की। उनका जीवन कितना कठिन है, आज वो झुंगी झोपड़ी में किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और चौथा मुद्दा था हम लोगों का, करखिया से लेकर रौना पार तक मार्ग इतना क्षतिग्रस्त है कि तमाम दुर्घटनाएं प्रतिदिन होती हैं, लेकिन प्रशासन उनका कोई खबर नहीं लेता है, उसको बनाने का काम नहीं कर रहा है, एकदम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। पांचवा हमारा ज्ञापन था बयादेपुर से अजमतगढ़ तक का मार्ग, जो बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ है और उसमें भी आवागमन काफ़ी दुर्लभ है। इस संबंध में हम लोगों ने आज ज्ञापन किया एलकेएम साहब को और ज्ञापन के माध्यम से हमने अपनी मांग को रखी। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, आने वाले समय में हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मामला यह है कि हम लोगों का जमीन नजात पड़ता है बिस्मपुर बाजार, और बीच में नदी है, जो नदी का जो सफाई जो हुआ उसमें जो आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये कड़ी जमीन होने का मतलब कि कोया जूता नहीं है, जिनके पास 1 बीघा या 2 एकड़ या 3 एकड़ जमीन है, उसी तरीके पड़ती पड़ा हुआ है, और जो उसके बाद जो आने जाने का कोई है नहीं है, और वो नदी का मतलब
दो बच्चे बच गए एकदम, बाल बाल बच गए मरने के लिए, वो तो आदमी थे कोई मतलब नहीं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के साथ आए तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया जी, क्या कहें तहसीलदार साहब? तो कहें कांग्रेस पार्टी से हूँ। आज किस तरह का प्रदर्शन किया गया है? ये जो है हमारे मतलब हरिया ब्लॉक के अंदर जो नदी के किनारे मतलब जो गांव था वो बाढ़ के कारण उसमें कट गया था, और कटने के कारण जो वहाँ से विस्थापित हुए जो लोग उनको जो है आज तक वो अपनी जोगी झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और उनको कोई सरकार की तरफ से कुछ आवास नहीं मिला।